हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेद्रे, फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जल्द ही आपके टेस्ट सीरीज कंडक्ट होंगे। आपका पहला टेस्ट पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी के 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 30 प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के होंगे और बाकी बचे हुए 60 प्रश्न जो अदर टॉपिक्स है, जैसे छत्तीसगढ़ आदिवासी जनजाति, कला, साहित्य, नदी, पहाड़, पठार, परियोजना, खनिज संसाधन, कृषि, ये जो बाकी बचे हुए पोर्शन है छत्तीसगढ़ समसामयिक कि इससे ये 60 क्वेश्चन का सेट होगा। तो 100 क्वेश्चन का एक पहला टेस्ट पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। देखिए, ये जो टेस्ट पेपर बनाया जा रहा है, ये सीजीपीएससी द्वारा पूछे गए पैटर्न के आधार पर जरूर है, लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चन पूछने का ट्रेड अभी पीएससी कर रहा है कि दो चार क्वेश्चन हिस्ट्री का, दो चार क्वेश्चन ज्योग्राफी का और बाकी पूरा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण डाल देता है या ग्राम पंचायत डाल देता है या नगरीय निकाय डाल देता है, वैसा यह क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। सीजीपीएससी के सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए गए हैं, वो सारे टॉपिक से आपको दो दो प्रश्न, तीन तीन प्रश्न आपको इस क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया जा रहा है, ये आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए है। पेपर पास में आ गया है, उम्मीद है कि दिसंबर के एंड तक आप भी अपने छत्तीसगढ़ का जो जनरल स्टडी वाला पोर्शन है उसे एक बार कंप्लीट कर चुके होंगे पढ़ के। तो इसी उद्देश्य से आपको लगभग दिसंबर के एंड वीक तक आपको पहला टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेस्ट पेपर कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इस पर भी एक टेस्ट पेपर से संबंधित एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा मैं, तो आप ना तैयारियां जारी रखिए, ठीक है। तो चलिए आज का हम वीडियो चालू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके नवंबर माह के करंट अफेयर्स पर। आज के इस टॉपिक में हम छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव से संबंधित कुछ अंतिम आंकड़े देखेंगे, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे, साथ ही साथ कुछ पुरस्कार, खेल, आपके कुछ नई नियुक्तियां और कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव 2018, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए हैं जो दो चरणों में संपन्न हुए हैं। प्रथम चरण, देखिए इस पर मैं पहले ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, जो अभी पांच राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, पिछला जो हमारा करंट अफेयर का वीडियो आया था वो इसी से संबंधित था। तो ठीक है, देखिए अभी हाल ही में आपकी निर्वाचन आयोग द्वारा इसके अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हुए, ये दो चरणों में हुए थे। प्रथम चरण जिसमें 18 सीट के लिए आपके चुनाव हुए, कब हुए, 12 नवंबर को। 12 नवंबर को प्रथम चरण में 18 सीटों के लिए आपके विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जबकि द्वितीय चरण में 72 सीटों के लिए 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये आपके निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए अंतिम आंकड़े हैं, इसे याद रखिएगा। प्रथम चरण में 76.39%, 76.39% मतदान हुए। प्रथम चरण में 12 नवंबर को हुए प्रथम चरण में 18 सीटों के लिए आपके 76.39%, 76.39% मतदान हुए, इसे याद रखिएगा। द्वितीय चरण में 20 नवंबर को हुए द्वितीय चरण में 72 सीटों के लिए हुए द्वितीय चरण में विधानसभा चुनाव में आपका 76.34% यानी 76.34% मतदान हुए। दोनों आंकड़े को याद रखिएगा, ठीक। ये प्रथम चरण का है, ये द्वितीय चरण का है। यदि दोनों चरणों को मिलाकर के ओवरऑल देखा जाए तो प्रदेश में इस बार हुए विधानसभा चुनाव में ओवरऑल 76.35%, 76.35% मतदान हुए। तीनों आंकड़े याद रखिएगा। अब ये देखिएगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रथम चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुए पूछ रहा है, द्वितीय चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुए ये पूछ रहा है, या ये पूछेगा आपसे कि इस वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान रहे, ठीक है। दो तीनों को याद रखिएगा, प्रथम चरण में 76.39%, द्वितीय चरण में 76.34%, और यदि ओवरऑल पूछा जाए तो 76.35%, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा हुआ है, अभी 11 दिसंबर को इसके जो अंतिम आंकड़े आएंगे, ये हमारे प्रदेश का राज्य निर्माण के पश्चात पांचवा विधानसभा चुनाव है, इसे याद रखिएगा। राज्य निर्माण के पश्चात ये हमारे प्रदेश का पांचवा विधानसभा चुनाव है, ठीक। यानी अभी कोई भी नई सरकार चुन करके आएगी तो वे पांचवें विधानसभा के लिए कार्य करेगी, तो इसे भी याद रखिएगा। जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, वे राज्य निर्माण के पश्चात हमारे प्रदेश का पांचवा विधानसभा चुनाव था, यानी जो नई सरकार अभी बन करके आएगी वे पांचवें विधानसभा के लिए कार्य करेगी। अभी तक टोटल चार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसमें से आपका पहली सरकार थी अजीत जोगी जी की 2000 से लेकर 2003 तक की, उसके बाद 2003 से लेकर के कंटिन्यू अभी 2018 तक आपके डॉक्टर रमन सिंह तीन बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तो इस तरीके से ओवरऑल चार विधानसभा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी जो नई सरकार बन के आएगी वो पांचवें विधानसभा के लिए कार्य करेगी, इसे भी याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट,
अभी जो ये विधानसभा चुनाव हुए और ये जो अंतिम आंकड़े जारी किए गए, तो उसमें जो ओवरऑल 90 सीट है, ये जो 90 विधानसभा क्षेत्र है, इन 90 विधानसभा क्षेत्र में आपका सर्वाधिक मतदान आपके कुरुद में हुए। कुरुद में 88.99% यानी 88.99% मतदान आपके कुरुद में हुए, जो कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक है। यानी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतदान कहाँ पर हुए पूछा जाए तो कुरुद में हुआ 88.99%। न्यूनतम मतदान, प्रदेश में न्यूनतम मतदान हुआ आपका बीजापुर में 47.35% मतदान हुए आपके बीजापुर में। ठीक, देखिए आपसे ये प्रश्न या तो सिंगल आपका एक क्वेश्चन पूछ के 5 ऑप्शन दे सकता है, या हो सकता है कि आपको कूट आधारित दे दे, यानी जैसे आपसे 4-5 स्टेटमेंट पूछ देगा और उसमें से बोलेगा कौन सा सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी प्रदेश में 5वां विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद प्रदेश में कुल 76.35% मतदान हुए, सर्वाधिक मतदान आपका कुरुद में हुआ, न्यूनतम मतदान बीजापुर में हुआ। ये चारों या पांचों स्टेटमेंट में से आपका एक ना एक स्टेटमेंट वो गलत देगा और उसमें बोलेगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, उसे छाटिए करके। ठीक, तो ये सारे के सारे आंकड़ों को थोड़ा याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो इस बार की विधानसभा चुनाव में पहली बार हुई, उसे देखिए। प्रत्येक विधानसभा चुनाव में जो आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, भारत का केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक, इस बार जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, प्रत्येक विधानसभा चुनाव में जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र है उन क्षेत्र में कम से कम पाँच पिंक बूथ बनाए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आपके कम से कम 5 पिंक बूथ बनाए जाएंगे, जिसके पश्चात हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया था कि जो ये 5 पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में, उसका नाम रखा जाएगा संगवारी मतदान केंद्र। केंद्र सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आपके 5 पिंक बूथ बनाए जाएंगे या 5 पिंक या गुलाबी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, उसी के कड़ी में हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग है, उन्होंने इन 5 पिंक बूथ का नाम रखा संगवारी मतदान केंद्र। इस संगवारी मतदान, संगवारी का शाब्दिक अर्थ होता है मित्र या दोस्त। इस संगवारी मतदान केंद्र की खासियत क्या थी कि इस संगवारी मतदान केंद्र में जितने भी आपके मतदान दल मौजूद थे, मतदान अधिकारी मौजूद थे, जो इसमें सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, सारे के सारे जो कर्मचारी इस मतदान केंद्र में लगे हुए थे वो सारे के सारे महिलाएं थी। यानी पूरा का पूरा ये मतदान केंद्र जो संचालित हो रहा था महिलाओं के द्वारा हो रहा था। ठीक है, तो इसे याद रखिए कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 पिंक बूथ बनाए गए थे जिसका नाम रखा गया था संगवारी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संगवारी क्या है, इसे याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट निर्वाचन थीम। पहली बार आपका जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार के विधानसभा चुनाव में जो एक थीम जारी किया था, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके जितने भी राजनीतिक दल मौजूद है हमारे छत्तीसगढ़ में, उन सारे के सारे राजनीतिक दलों को एक नोटिफिकेशन जारी करके यह निर्देश दिया था कि उनके द्वारा जो भी प्रचार प्रसार के लिए जो भी आपके घोषणा पत्र निकाले जा रहे हैं या जो भी उनके पॉम्पलेट छापे जा रहे हैं, सारे के सारे आपके प्रचार प्रसार के सामग्री के हेडर या फुटर में इस थीम को मेंशन करना जरूरी है। यानी जो भी उनके घोषणा पत्र है, उनके घोषणा पत्र में इस थीम को जगह दिया जाना जरूरी था। थीम क्या था? निर्वाचन 2018 सुगम सुगर समावेशी। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 का थीम क्या था पूछा जाए तो इसे भी याद रखिएगा। ये पहला बार था जो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने थीम जारी किया था। थीम क्या था? निर्वाचन 2018 सुगम सुगर समावेशी, जो कि राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में और जो भी प्रचार प्रसार के सामग्री में हेडर या फुटर में इसे मेंशन किया जाना आवश्यक था। नेक्स्ट सी विजल, ये जो ऐप है ये एक आपका मोबाइल एप्लीकेशन था। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया गया था केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये सी विजल ऐप है क्या? देखिए आदर्श आचार संहिता एक सुचारू रूप से लागू हो सके, इस उद्देश्य से आपके केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा यह ऐप डेवलप किया गया था। इस आदर्श आचार संहिता को सुचारू रूप से लागू हो सके तथा इसमें आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित हो, आदर्श आचार संहिता को बनाए रखने के लिए आम जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित हो, इस उद्देश्य से आपका यह सी विजल ऐप डेवलप किया गया केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। देखिए उद्देश्य क्या था, आम जनता, देखिए इसमें क्या है, आम जनता,
आम जनता आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकती थी इस ऐप को डाउनलोड करके। जैसे आप देखे होंगे जब कभी भी चुनावी माहौल होता है तो क्षेत्रीय स्तर पर जैसे आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, शराबें बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं वोट खरीदने के लिए, है ना, महिलाओं को साड़ियां बांटी जाती है, तो ये क्या है, आचार संहिता का उल्लंघन है। तो क्या है, एक आम नागरिक भी अगर अपने आंखों के सामने इस आचार संहिता का उल्लंघन होते हुए देख रहा है तो वो इस सी विजल ऐप पे जा करके इसके इससे संबंधित जो भी आपकी जानकारी है या जो भी आपका रिपोर्ट है वो उसमें अपना डाल सकता है या टिप्पणी कर सकता है, जिसके आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा त्वरित इसके निराकरण के लिए त्वरित इसका इस पर एक्शन लिया जाना था। ठीक है, तो याद रखिएगा सी विजल ऐप क्या है। सी विजल ऐप आम जनता का आदर्श आचार संहिता सुनिश्चित करने में आम जन की भागीदारी से यह संबंधित था। ठीक, नेक्स्ट है आपका सी टॉप्स ऐप। सी टॉप्स ऐप जिसका फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ ट्रैकिंग ऑफ पोलिंग प्रोसेस सॉफ्टवेयर। छत्तीसगढ़ ट्रैकिंग ऑफ पोलिंग प्रोसेस सॉफ्टवेयर, देखिए छत्तीसगढ़ ट्रैकिंग ऑफ पोलिंग प्रोसेस सॉफ्टवेयर, ये सी टॉप का फुल फॉर्म है। इसे डेवलप किसने किया था, इसे डेवलप किया था छत्तीसगढ़ के चिप्स ने, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एंड बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी, इसके द्वारा यह विकसित किया गया था। जैसे कि आपका ये जो सी विजल ऐप है, सी विजल ऐप आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा डेवलप किया गया था, वहीं आपका सी टॉप्स ऐप छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सहयोग से इसे डेवलप किया गया था। देखिए इसे डेवलप किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य जो आपके मतदान दल है, मतदान दल मतदान से संबंधित विभिन्न सामग्री को लेकर उनके रवानगी, मतदान केंद्रों में उनकी स्थिति, मतदान केंद्रों में भीड़ तथा मतदान केंद्रों से इन मतदान दलों की वापसी तक प्रत्येक मोमेंट में इन दलों की जो गतिविधियां हैं, इन दलों की जो स्थिति है, इसका जायजा लेने के उद्देश्य से ये सी टॉप ऐप डेवलप किया गया था। जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन अधिकारी है या जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त है, जिला निर्वाचन आयुक्त है या जो पीठासीन अधिकारी है, इनके द्वारा प्रत्येक मूवमेंट का, देखिए जो आपका विधानसभा क्षेत्र होता है उसे बहुत सारे मतदान केंद्र होते हैं, हर एक मतदान केंद्र का जायजा लेना काफी कठिन होता है, तो एक डिजिटलाइज्ड तरीके से इन मतदान केंद्रों का जायजा किया जा सके, इस उद्देश्य से आपका सी टॉप ऐप आपका डेवलप किया गया था चिप्स के द्वारा, जिसमें क्या है प्रत्येक मतदान केंद्र के मतदान अधिकारियों को यह आपका निर्देश दिया गया था कि वे प्रत्येक मूवमेंट की, जैसे ईवीएम मशीन संबंधित गड़बड़ी या मतदान केंद्रों पर भीड़ या मतदान दलों की जो भी समस्याएं हैं, इससे संबंधित जो भी आंकड़े हैं उन्हें इस ऐप पे डेवलप किया, सॉरी अपलोड करना था। ठीक है, तो ये सी टॉप ऐप क्या चीज़ से संबंधित था, आपका मतदान दलों की गतिविधियों से संबंधित था। तो ये जो आपके सी टॉप ऐप में जो आंकड़े उन्हें अपडेट करने थे, तो इस मामले में सबसे अव्वल पे रहा या प्रदेश में टॉप पोजीशन पर रहा आपके गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिले के अंतर्गत जितने विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित थे या जितने भी आपके मतदान केंद्र सम्मिलित थे उनके द्वारा सर्वाधिक अपडेट किए गए इस सी टॉप ऐप में। ठीक, ये सारे के सारे आंकड़े को याद कीजिएगा, ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ जैसे 5 पिंक बूथ, निर्वाचन थीम, सी विजल ऐप, सी टॉप ऐप, ये इस बार के विधानसभा चुनाव में पहली बार हुए हैं, इससे पहले ये सारे चीजें नहीं हुआ करती थी। ठीक, नेक्स्ट डाक पत्र। ये डाक पत्र है क्या, जो आपके निर्वाचन कार्य में जो भी आपके अधिकारी लगे हुए या जो भी आपके शिक्षा कर्मी लगे हुए या जो भी आपके मतदान अधिकारी लगे हुए हैं, तो ये क्या होता है, इनका हर, अब आपका तो डेट डिसाइडेड है कि आपका 12 नवंबर और 20 नवंबर को आपके चुनाव होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के ही जो निवासी या जो कर्मचारी है वे ही आपके मतदान केंद्रों में उनका जो ड्यूटी लगा हुआ है, तो वे अपने मताधिकार का उपयोग कैसे करेंगे, उनकी ड्यूटी, हर एक कर्मचारी की ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों में लगती है, तो उनका भी इस मतदान में भागीदारी सुनिश्चित हो या वे भी अपने मताधिकार का उपयोग कर सके, इस उद्देश्य से आपका जो डाक पत्र है गुलाबी रंग का डाक पत्र उन्हें प्रोवाइड किया गया था, जिसमें क्या था, वे अपने मताधिकार का प्रयोग इस डाक पत्र के गुलाबी कलर के जो निर्वाचन आयोग द्वारा, जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो गुलाबी रंग का जो डाक पत्र प्रोवाइड कराया गया था, इसके द्वारा उन्होंने अपने मत डाले। तो याद रखिएगा मतदान कार्यों में संलग्न जो भी कर्मचारी है उनके मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित हो, इस उद्देश्य से गुलाबी रंग का, उसमें रंग याद रखिएगा कि जो डाक पत्र कौन से रंग का था, ये डाक पत्र था आपका गुलाबी रंग का, गुलाबी रंग का मत पत्र उन्हें प्रदान किया गया था। ठीक, देखिए नेक्स्ट, तो ये सारे के सारे आंकड़े जो आपके विधानसभा चुनाव से संबंधित थे। इसके अलावा देखिए ये आंकड़े आपसे कूट आधारित प्रश्न में पूछे जाएंगे, सत्य असत्य कथन में भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपका जो व्यापम है, व्यापम अधिकतर फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछता है, तो आप दो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक ईवीएम
ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म क्या है और दूसरा वीवीपैट मशीन का फुल फॉर्म क्या है। ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, जो पहला जो ई है ना, इसका नाम याद रखिएगा। ऑप्शन में क्या पूछ देगा आपसे, ईवीएम का फुल फॉर्म बताइए, उसमें क्या बोलेगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, इलेक्शन वोटिंग मशीन। कई लोग क्या है कंफ्यूजन में, इलेक्शन वोटिंग मशीन को ही सही आंसर मान लेंगे। तो याद रखिएगा, ईवीएम मशीन संबंधित जरूर है इलेक्शन से, लेकिन इसमें ई का मतलब इलेक्शन नहीं है, ई का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ऑप्शन आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी देगा, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन भी देगा, और उसमें पहला ऑप्शन आपका इलेक्शन वोटिंग मशीन भी देगा। तो ये ईवीएम का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि इस ईवीएम के फुल फॉर्म में ये जो आपका ई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्शन नहीं। दूसरा वीवीपैट मशीन, वीवीपैट मशीन, जैसे कि आपने ईवीएम मशीन में आप बटन दबाए, बटन दबाने के बाद साइड में जो आपका वीवीपैट मशीन लगा था, उसमें क्या है, आपने सही उम्मीदवार को वोट दिया कि नहीं, इस वो एकदम आपके लिए एक प्रूफ के तौर पर उस पर्ची में जो चुनाव चिन्ह है और जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया, उसका एक 2 या 4 सेकंड के लिए एक पर्ची में एक प्रिंटआउट निकलता था और वो ऑटोमेटिक उसी मशीन में ही गिर जाता है नीचे। तो ये वीवीपैट मशीन का फुल फॉर्म क्या है, देखिए, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ईवीएम मशीन का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ये वीवीपैट मशीन का वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये प्रश्न पीएससी तो नहीं उठाएगा, लेकिन व्यापम इस प्रश्न को उठा सकता है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि वीवीपैट मशीन का फुल फॉर्म क्या है और ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको पुरस्कार एवं सम्मान। पहले नंबर पर है आपका अंतर्राष्ट्रीय फुकुओका कला सम्मान। ये अंतर्राष्ट्रीय फुकुओका कला सम्मान जापान के द्वारा छत्तीसगढ़ की तीजन बाई को प्रदान किया गया। तीजन बाई को यह पुरस्कार क्षेत्रीय स्तर की अपनी कला एवं संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाए जाने के कारण उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि तीजन बाई पंडवानी का मंचन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में कर चुकी है, तो उन्होंने अपनी क्षेत्रीय स्तर की कला एवं संस्कृति को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई। इस कारण से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फुकुओका कला सम्मान जापान के द्वारा प्रदान किया गया। इसके साथ साथ देखिए, ये तो था आपका करंट अफेयर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय फुकुओका कला सम्मान किन्हें प्रदान किया गया, जिसमें 2-3 ऑप्शन दे देगा, तीजन बाई, ममता चंद्राकर, अनुज शर्मा, ऐसे अलग अलग कलाकारों के, छत्तीसगढ़ कलाकारों के नाम दे देगा, तो उसमें आपको लगाना तीजन बाई। इसके साथ साथ जनरल स्टडी का भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो तीजन बाई है, तीजन बाई को पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार कब प्रदान किया गया, तो तीजन बाई को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था 1987 को तीजन बाई को आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ इन्हें पद्म भूषण वर्ष 2003 को तीजन बाई को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार सम्मानित किया गया तीजन बाई को, वर्ष 1987 को पद्मश्री, 2003 को पद्म भूषण। नेक्स्ट, मिस छत्तीसगढ़ हाल ही में अभी मिस इंडिया एवं मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट का आयोजन हुआ था आपकी नई दिल्ली में, तो उसमें मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रनर अप एवं छत्तीसगढ़ में मिस छत्तीसगढ़ का टाइटल मिला है आपका रवीना खान को। यानी जो आपका मिस इंडिया का जो कॉन्टेस्ट था, उसमें फर्स्ट रनर अप तथा मिस छत्तीसगढ़ का टाइटल किन्हें मिला, रवीना खान। रवीना खान जो कि पंडरी रायपुर की रहने वाली है, तो रवीना खान जिन्हें मिस छत्तीसगढ़ का टाइटल मिला मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में, ठीक। नेक्स्ट, मिसेज एशिया इंटरनेशनल, मिसेज एशिया इंटरनेशनल जिसका खिताब मिला है आपका डॉक्टर सोनिया स्वर्णकार को। थाईलैंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में लगभग 35 देश के प्रतिभागी शामिल हुए थे, जिसमें से आपका मिसेज एशिया इंटरनेशनल का खिताब प्रदान किया गया छत्तीसगढ़ के डॉक्टर सोनिया स्वर्णकार को। तो ये तीनों का नाम याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट, मिस ट्रांस क्वीन, मिस ट्रांस क्वीन ये खिताब प्रदान किया गया है, ये टाइटल मिला है छत्तीसगढ़ की वीना शेंद्रे को। वीना शेंद्रे जो कि मंदिर हसौद रायपुर की निवासी है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, यह देश की पहली मिस ट्रांस क्वीन है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, देश की पहली मिस ट्रांस क्वीन वीना शेंद्रे है, ठीक। कहाँ की निवासी है, मंदिर हसौद रायपुर की।
स्टिलिज 2018, स्टिलिज 2018 सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है अरुण कुमार रथ, अरुण कुमार रथ जो कि वर्तमान में आपके बीएसपी के ये सीईओ है, तो उन्हें स्टिलिज, देखिए ये जो नाम से स्पष्ट है, स्टील इंडस्ट्री से संबंधित जो सीईओ ऑफ द ईयर है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है हमारे भिलाई स्टील प्लांट के जो सीईओ है अरुण कुमार रथ को, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट खेल, सबसे पहले नंबर पर है आपकी साक्षी मिश्रा। साक्षी मिश्रा किस खेल से संबंधित है पूछा जाए तो बैडमिंटन से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट अंडर 16 एवं अंडर 18, ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट अंडर 16 एवं अंडर 18 दोनों कैटेगरी में इन्हें पुरस्कार प्रदान हुआ। ठीक है, या इस ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने अपने नाम किया, अंडर 16 और अंडर 18 दोनों का खिताब, तो साक्षी मिश्रा जो कि संबंधित है आपके बैडमिंटन से। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ मास्टर गेम्स एसोसिएशन, हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ में इस छत्तीसगढ़ मास्टर गेम्स एसोसिएशन का गठन किया गया। इस छत्तीसगढ़ मास्टर गेम्स एसोसिएशन को गठन किए जाने का मुख्य उद्देश्य जो आज के युवा वर्ग है, युवा वर्ग में ओलंपिक खेलों के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से, साथ ही साथ आज के युवा वर्ग में खेल के प्रति खेल भावना को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से इस छत्तीसगढ़ मास्टर गेम्स एसोसिएशन का गठन किया गया है। अभी प्रारंभिक तौर पर इस छत्तीसगढ़ मास्टर गेम्स एसोसिएशन में 13 ओलंपिक गेम्स को शामिल किया गया है, यानी ओलंपिक गेम्स में जो अलग अलग खेल शामिल किए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी के खेल शामिल किए जाते हैं, उसमें से 13 प्रकार के ओलंपिक गेम्स को इस छत्तीसगढ़ मास्टर गेम्स एसोसिएशन के गठन किए जाने के पश्चात इन 13 गेम्स को शामिल किया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि छत्तीसगढ़ मास्टर गेम्स एसोसिएशन में 13 ओलंपिक गेम्स को शामिल किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, नियुक्तियों में याद रखिएगा, जनसंपर्क आयुक्त, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क आयुक्त नियुक्त हुए हैं आपके अनबलगन पी, थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड है इनका, अनबलगन पी अभी हाल ही में जो आपके जनसंपर्क आयुक्त थे राजेश टोप्पो, वो अभी सेवामुक्त हुए हैं, जिसके पश्चात अभी नए जनसंपर्क आयुक्त अनबलगन पी छत्तीसगढ़ के नए जनसंपर्क आयुक्त नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, विविध मिसलेनियस, पहले नंबर पर है आपका जीरा फूल, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की जीरा फूल को GI टैग प्रदान किया गया। ये GI टैग प्रदान किया, देखिए ये जीरा फूल है क्या, जीरा फूल छत्तीसगढ़ धान की एक प्रजाति है, जीरा फूल छत्तीसगढ़ धान की एक प्रजाति है। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडेक्स या भौगोलिक संकेतक ये प्रदान किया जाता है, जैसे कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसका जो उत्पादन है उस क्षेत्रीय, स्पेशली उस क्षेत्रीय स्तर पर होता है ना, यानी जैसे आपके जीरा फूल का जो इसके उत्पादन के लिए जो भौगोलिक परिस्थिति है वो हमारे छत्तीसगढ़ में बेटर है, तो ये GI टैग आपका भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन 10 साल के लिए होता है, 10 साल के बाद GI टैग की अवधि समाप्त हो जाती है, जिसके पश्चात इसे रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये जो जीरा फूल को जो क्षेत्रीय पहचान है वो हमारे छत्तीसगढ़ के उसमें प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा जो GI टैग जीरा फूल छत्तीसगढ़ को एक धान की प्रजाति है। इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा यह प्रदेश का प्रथम GI टैग कृषि उत्पाद है, पहला कृषि उत्पाद है छत्तीसगढ़ का जिसे GI टैग प्रदान किया गया। देखिए अभी तक प्रदेश में कुछ और भी प्रोडक्ट है जिन्हें GI टैग प्रदान किया गया है, जैसे आपका बस्तर के संभाग के अंतर्गत जो आपका ढोकरा शिल्पकला है, आपका आयरन क्राफ्ट है, वुडन क्राफ्ट है, उसके अलावा आपके चांपा के अंतर्गत जो कोसा शिल्प का जो फैब्रिकेशन है, ये 4-5 को आपका ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन ये सब क्या है, हस्तशिल्पकला है। ये जो है आपका जीरा फूल जो कि प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद है जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा। अभी इससे कुछ समय पहले आपके जो कड़कनाथ मुर्गा, जो काले कलर का जो मुर्गा होता था कड़कनाथ मुर्गा, उसके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार ने GI टैग प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वो GI टैग आपका मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, जीरा फूल जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम कृषि उत्पाद है जिसे GI टैग प्रदान किया गया, जीरा फूल जो कि धान की एक प्रजाति है। नेक्स्ट, लैंग्वेज मैपिंग, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ स्कूली शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति विकास विभाग दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ के प्रदेश में रहने वाले 42 जनजातियों के 42 प्रकार की बोलियों की मैपिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली 42 प्रकार के जनजातियों के 42 प्रकार के बोलियों की मैपिंग की जा रही है छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्कूली शिक्षा विभाग।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इस लैंग्वेज मैपिंग का मुख्य उद्देश्य है कि जो आपके बच्चे हैं, बच्चे अपनी बोलियों के आधार पर पढ़ाई कर सके, अपने बोलियों के आधार पर पढ़ाई कर सके, उन्हें पढ़ाई करने में सरलता हो, या जो बोली वो बोल रहे हैं उस बोली के आधार पर भाषा को समझने में उन्हें सरलता हो, इस उद्देश्य से आपका छत्तीसगढ़ के 42 जनजाति बोलियों को या 42 जनजातियों के 42 प्रकार के बोलियों की मैपिंग की जा रही है लैंग्वेज मैपिंग के द्वारा। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, 42 प्रकार के जनजातियों के 42 प्रकार की बोलियों की मैपिंग कराई जा रही है ताकि बच्चों को अपनी बोलियों के आधार पर पढ़ने में सरलता हो। ठीक है, तो ये लैंग्वेज मैपिंग को भी याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है 42 जनजातियों के 42 प्रकार की बोलियों का मैपिंग। ठीक है, तो आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हमने नवंबर माह के करंट अफेयर पर चर्चा किया, यहीं समाप्त होता है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।